नमस्ते, मैं हूं रजत और आज हम पड़ताल करेंगे कोरोना को 5G रेडिएशन से जोड़ती कुछ मिथ्या कहानियों की। नोवल कोरोना वायरस को लेकर कुछ नई मिथ्या कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ये फिर से सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी हैं। कोरोना को 5G से जोड़ा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि कोरोना की वजह ये 5G रेडिएशन है। आगे कुछ भी बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोरोना और 5G का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ झूठ है, सिर्फ गप है। अब जानते हैं मैसेज में कहा क्या जा रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इटली में पहली बार कोरोना से मरे व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ। दावा यह भी है कि लोग संक्रमण के कारण नहीं बल्कि 5G रेडिएशन से फैले जहर की वजह से मर रहे हैं। साथ ही इस बात का प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है कि ये वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। कहा जा रहा है कि इटली में एस्पिरिन 100mg और एम्प्रोमैक्स देकर मरीजों का सफल इलाज किया गया है। वायरल मैसेज का स्रोत इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया गया है। ऐसा ही दावा कई और फेसबुक यूजर्स ने किया है। ये मैसेज व्हाट्सएप पर भी खूब शेयर हो रहा है। मेरे साथी अभिषेक ने आपके लिए इन वायरल मैसेज में किए जा रहे दावों की विस्तार से पड़ताल की। पड़ताल में ये दावे भ्रामक निकले और गलत निकले। इस मैसेज में कई दावे एक साथ किए जा रहे हैं, हम एक एक करके इन दावों की पड़ताल करेंगे। पहला दावा क्या है? पहला दावा है इटली कोरोना वायरस से मृत शरीर का पोस्टमार्टम करने वाला पहला देश बना। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें चाइना डेली की एक रिपोर्ट मिली। 26 मार्च 2020 की इस रिपोर्ट में फोरेंसिक एक्सपर्ट लियो लियांग के अनुभवों का जिक्र किया गया जो उन्होंने कोरोना मरीजों के पोस्टमार्टम के दौरान देखे। रिपोर्ट में दर्ज है कि किसी कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम पहली बार 16 फरवरी 2020 को किया गया था वुहान के जिंतियान हॉस्पिटल में, और इस पोस्टमार्टम में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा था जो सामान्य वक्त से करीब 3 गुना है। इटली में कोविड-19 का पहला मामला 21 फरवरी को सामने आया था। वुहान में हुए पहले पोस्टमार्टम के 5 दिनों के बाद 21 फरवरी की टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17 मामले दर्ज किए गए थे। यानी साफ है इटली से पहले पोस्टमार्टम चीन में हुआ था। दूसरे दावे पर आते हैं। दावा है पोस्टमार्टम में पता चला है कि कोरोना के मरीजों के शरीर में वायरस मौजूद नहीं है बल्कि वो 5G के रेडिएशन की वजह से मारे गए हैं। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट है WHO की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है। WHO की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि 5G नेटवर्क का वायरस फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। रेडियो वेव या मोबाइल नेटवर्क के जरिए ये वायरस नहीं फैल सकता। जिन देशों में 5G नेटवर्क नहीं है वहां भी ऐसे कई लोगों की जाने गई हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देश हैं जहां 5G का कोई लेना देना ही नहीं है। वहां पर भी कोरोना पहुंचा है और वहां भी मौतें हुई हैं। तो साफ है मामला 5G का नहीं है। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण मनुष्य या फिर संक्रमित सतह के संपर्क में आने से फैलता है, रेडिएशन से इसका कोई वास्ता नहीं। तीसरा दावा भी जान लेते हैं। दावा है कि WHO कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं देता। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर चेक किया। WHO ने 24 मार्च को कोरोना मरीजों के पोस्टमार्टम से संबंधित गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें मृत शरीर को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने और प्रोसेस के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों का जिक्र किया गया था। इसलिए ये दावा गलत है कि WHO ने कोरोना मरीजों के पोस्टमार्टम पर रोक लगाई है। आप ये पूरी जानकारी, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारी स्टोरी में देख सकते हैं और हमारी स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे दावे की ओर। दावा है कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। इससे नसों में खून की गांठें बन जाती हैं और मरीज मर जाता है। इसकी भी सच्चाई जान लीजिए। कोविड-19 संक्रमण की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई थी चीन के वुहान शहर में। रिसर्च जर्नल लैंसेट में 24 जनवरी 2020 को पब्लिश हुई रिपोर्ट में इस संक्रमण के बारे में उपलब्ध शुरुआती जानकारियां दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने 7 जनवरी तक वुहान में मरीजों में नोवल कोरोना वायरस की पहचान कर ली थी। ये उसी कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा है जिसकी वजह से 2003 में सार्स हुआ था। 11 फरवरी को इस नए वायरस का नामकरण किया गया। नाम रखा गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है और स्पष्ट होता है कि यह संक्रमण वायरस के जरिए फैलता है, इसलिए बैक्टीरिया जनित रोग बताना इसे गुमराह करना है और यह एक मिथ्या कहानी ही है। कोरोना संक्रमण के कुछ मामलों में खून का थक्का जमने की बात सामने आई है।
हालांकि ऐसा सभी मरीजों के साथ नहीं होता, यानी हर किसी को हो ये जरूरी बात नहीं। पांचवा दावा है कि इस संक्रमण को एस्प्रिन 100 mg या पैरासिटामोल 650 mg से ठीक किया जा सकता है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर कोरोना संक्रमण से जुड़ी इन अफवाहों की सच्चाई बताई गई है। यहां बताया गया है कि कोरोना पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। हालांकि एस्प्रिन और पैरासिटामोल एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन इनसे कोरोना ठीक हो जाए इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इनका इस्तेमाल कोरोना मरीज का बुखार कम करने के लिए किया जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण का कोई इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। वैक्सीन और दवा पर रिसर्च और ट्रायल जारी हैं। फिलहाल डॉक्टर्स मरीज के शरीर में दिख रहे लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं पहले से उपलब्ध संसाधनों के जरिए, और इसे कोरोना वायरस का सटीक इलाज मान लेना गलत है। ऐसे इलाज से नुकसान काफी ज्यादा है। संक्रमण होने पर आप तुरंत अस्पताल में जाएं, संपर्क करें, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करें, टेस्ट करवाएं, आइसोलेट हों, ताकि औरों को भी बचाया जा सके। तो ये थी इस वायरल मैसेज के बड़े बड़े दावों की हमारी विस्तार से पड़ताल। तो इसमें कुल मिलाकर यही बात निकली कि कोरोना वायरस से ही होता है, बैक्टीरिया से नहीं। दूसरी बात कि इसका 5G से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो संक्रमण फैल सकता है। कोई सतह संक्रमित है तो उसके कॉन्टैक्ट में आने पर कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन 5G से कोरोना वायरस हो जाएगा या रेडिएशन से कोरोना वायरस हो जाएगा, ये सिर्फ मिथ्या है और सिर्फ भ्रामक जानकारी है। जहां पर भी आप ये मैसेज देखें वहां पर इस वीडियो का लिंक जरूर पहुंचा दें। ये पड़ताल आपके लिए की थी मेरे साथी अभिषेक ने। ये जानकारियां लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई और भ्रामक जानकारियों का लगातार फैक्ट चेक हम करते रहते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है पड़ताल_LT। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पड़ताल को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ताल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक लगातार नए नए फैक्ट चेक्स, नए नए वीडियोज़ पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर आपको भी किसी भ्रामक दावे पर शक है, कोई दावा आपको भ्रामक लगता है, तो आप हमें पहुंचा सकते हैं हमारी WhatsApp हेल्पलाइन के जरिए और मेल के जरिए भी। ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।